बड़ी और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है प्रकाश राज थ्रेटन्स अजय देवगन सिंगम मूवी सीन। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तेरी माँ ने तेरे को कभी तेरे बाप का नाम नहीं बताया? साहब साहब विठल दरवी के आदमी साहब जयकांत जी नहीं आ सकते इसलिए हम लोग आए हैं। रॉक्स विद हम ऑन द रॉक्स थोड़ा बिजी था काम का ऑलरेडी है ना इसके लिए आया तो भेजा था मैं वरना मैं जयकांत जी कहाँ है गुआ सिटी अभी से पड़ेगी साइन कर लेंगे ना हम लोग कर लेंगे और ये ब्राइब मलाई दो गुड लक जो समझ गए समझ अभी से पढ़ने लगी मुझे लगता है। सीधा बात मुझे चाय खाते दो बजे तक चाहिए और कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि वो बीमार है घर में कोई मर गया गाड़ी खराब हो गई है रास्ते में बहुत खड्डे हैं और अगर भारत बंद भी है तो भी जयकांत मुझे चार घंटे के अंदर यहाँ चाहिए वरना उसके नाम का वारंट निकलेगा उसको कुत्ता जेल की शहर। ये रेल लोकेशंस होती होंगी ना गाड़ी उठा के देख रहे ये तो थोड़ा स्टूडियो टाइप लग रहा है। ये स्टूडियो टाइप है तो इतनी गर्दी क्यों है कोई हीरो नहीं है जो ऑटोग्राफ देने आया क्रिमिनल है साइन करने आया जानता भी है तू मेरे को मेरे पावर को जानता मर्डरर है तू साला फाइल भी पढ़ी है मैंने तेरी और पावर भी देखी है चार घंटे के अंदर कुत्ते की तरह भाग कर आ गया आईडी देखा माजी सदी रे हे छुआ बोल इसको समझा रहा निठल इसको पता नहीं किससे पना ले रहा है वो अंधे हो जाएंगे तेरे जी भाई शपथ को हम दे मैं जयकार चले हूँ जयकार चले क्या हुआ सिंगम भैया अरे कुछ नहीं हुआ आप लोग प्लीज बाहर जाइए कुछ हो रहा है तो बोलो सिंगम कोयता कुलाड़ी फावड़ा एक एक हथियार लॉरी भर के लाए हैं कहा ना आप लोग प्लीज बाहर जाइए केलकरिया गुंडिया ने बाहर काट मामूली सा गुंडा ये अच्छा मेरे से इनके बंदे आए हैं मुझे भी लगा था अपने पोस्ट का सॉलिड अकड़ रहा तेरे को तेरे इस पोस्ट का पोस्टमार्टम कर सकता हूं मैं अभी के अभी जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं तेरी अभी के अभी ऐसा इंटीरियर डेकोरेशन करूंगा इधर का पुलिस स्टेशन कम शमशान ज्यादा लगेगा अभी के अभी अभी ओह गॉड ये जिंदा आया अब यहाँ से जिंदा जाएगा ना
लेकिन जैसे इसकी गाड़ी में सलिया घुसा ना, इसकी छाती में घुसा देगा मेरे को। लेकिन सिंगम वाला जो हाथ लावे, कैसा हाथ का फुटा के? मुझे लग रहा है सारा प्लान्ड है ना। शायद क्या सोचा था? मामूली इंस्पेक्टर एंटर आएंगे, एंटर जाएगा, पतलून तो तेरी गीली हो गई अभी के अभी। मुझे छू अभी तो ये लोग तुझे काट डालेंगे अभी के अभी के अभी। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे गिलकर पालन। वाह मजा आ गया भाई। एक पॉइंट पर तो आगे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म में ना एंटरटेनमेंट क्रिएट हो रही है सारी। हाँ वैसे मैंने सिंगम मूवी नहीं देखी बट ये के जो एक ये सीन था सारा प्रकाश राज सर के साथ, हाँ लाइक इसमें मुझे इनिशियली लगा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना वो उनकी सपोर्ट में आ रहे हैं। मुझे भी यही लगा था जो क्या नाम लेते हैं हथौड़े, हाँ। और यानी कि जो भी वेपन मिला हाथ में वो लेकर आ रहे हैं पुलिस स्टेशन का घेराव करने के, हाँ। लिए। लेकिन वो पुलिस स्टेशन को सिर्फ गुंडों का घेराव करने के लिए आ रहे थे। लेकिन मजा आ रहा था क्योंकि डायलॉग्स भी बड़े अच्छे थे और साथ में अगर हम प्रकाश राज सर की बात करें बहुत कमाल के एक्टर हैं। अगर हम लोग अजय देवगन सर की बात करें बहुत ज्यादा कमाल के एक्टर हैं। मतलब ये होता है ना टक्कर पर आकर, हाँ। हीरो और विलन का एक दूसरे के साथ आमना सामना करना, क्योंकि जहां पर ये सीन स्टार्ट होता है तो वहां पर पता चलता है कि यूजली जो विलन होते हैं वो ज्यादातर भाई अटेंडेंस नहीं लगाते, हाँ वो अपने छोटे मोटे लोगों को ही भेजते हैं। लेकिन जब वो खुद आते हैं जिस तरीके से गाड़ियां ऐसे भाग भाग कर आ रही होती हैं और लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। देखे ना उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की फिर उनके साथ जो हुआ और क्या नाम लेते हैं जो इनके स्टार्टिंग में जो लोग आए पहले को तो उन्होंने वैसे ही और दूसरे को वैसे ही सीधा ठीक है ना। अच्छा वैसे फिल्मों में ना ये वाली फैंटेसी देख के ना बड़ा एक मजा आता है, हालांकि पता था कि भाई रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता लेकिन फिल्मों की एक फैंटेसी होती है जो उन्होंने क्रिएट की होती है तो आपको ना बड़ा अच्छा लगता है। वो एक हीरो वाली फीलिंग जो है ना आपको जो है ना वो आती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मूवी में हमें साउथ का टच डायरेक्शन में जो, हाँ। है वो देखने को मिलता है कि जिस तरीके से गाड़ियां तेज़ मूव करती हैं, एक्शन सीन अगर हम लोग देखो तो विद टाइम आपको बॉलीवुड में काफी ज्यादा साउथ का इन्फ्लुएंस जो है वो भी देखने को मिलता है कि, हाँ। एक्शन सीन्स की अगर हम लोग स्पेशली बात करें मजा आता है यार, बहुत मजा आता है। और हालांकि मेरे ख्याल में ये जो मूवी है ये बनाई तो उन्होंने है ना डायरेक्टर, हाँ। क्या नाम था उनका जो बहुत गाड़ियां उड़ाते हैं एक डायरेक्टर, रोहित शेट्टी। हाँ रोहित शेट्टी उन्होंने बनाई है ना शायद, उन्होंने। और वैसे क्या नाम था शुगर करे श्रीकांत जो है इस्लाम में चले गए वरना जहाँ पे मॉब इकट्ठा हो जाता है ना वहाँ पे पुलिस से कंट्रोल नहीं होता, पुलिस खुद ही नहीं कंट्रोल करना चाहती, वो खुद ही इसीलिए मॉब को बुला देती है। लेकिन ये एक चीज है कि ना डायलॉग इसके बड़े हिट थे स्पेशली अताबाजी सटकली, हाँ वो बहुत ज्यादा हिट था। ये मराठी में है ना अताबाजी सटकली, हाँ मराठी है। और प्रकाश राज सर जो है उनकी एक्टिंग जो है बहुत अच्छी है लेकिन जो है ना कहीं उनके कैरेक्टर में ना एक फन आ रहा था कि वो जैसे ना एक फन क्रिएटिंग हमें लगता है ना शायद वैसे जिंदगी में कभी गुंडे देखे नहीं और दवाई उस हिसाब से देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ यार इन चीजों से ना दूर रहना चाहिए। लेकिन हाँ मूवी की हद तक एंटरटेनिंग है, मजा आता है। बट मैं अजय देवगन सर की बात करूंगी कि मुझे बड़ा मजा आता है उनकी एक्टिंग देखने का, जब स्पेशली वो सीरियस एक्टिंग करते हैं ना तो मतलब उनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव मुझे लगती हैं। लेकिन जब वो फनी रोल करते हैं कॉमेडी रोल में भी मुझे बहुत मजा, क्योंकि जितने भी बहुत सीरियस लुक वाले एक्टर होते हैं ना जैसे अगर हम लोग मतलब अजय देवगन सर की बात कर लें या फिर हम लोग
एक और नाना पाटेकर सर की बात करें तो जब वो कॉमेडी रोल करते हैं ना, मैं बहुत इंजॉय करती। वैसे मैं अगर अजय देवगन सर की बात करूँ ना, मुझे वो कॉमेडी रोल में ज्यादा अच्छे लगते, मेरे सीरियस रोल में ना इतने अच्छे नहीं लगते जितने वो मेरे कॉमेडी रोल में जो है ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। नाना पाटेकर सर की बात करूँ तो मुझे दोनों में, क्योंकि उनकी मैंने सीरियस मूवीज भी देखी है, उनकी मैंने कॉमेडी मूवीज भी देखे, तो मुझे दोनों में अच्छे लगते हैं। हर इंसान का यार अपना अपना एक होता है, तो मुझे अजय देवगन जो है ना कॉमेडी, हाँ सीरियस मूवी में जैसे उनकी दृश्यम मूवी जो है ना उसमें वो मुझे बहुत अच्छे जो है ना वो लगे हैं। अच्छा वैसे एक चीज है, रोहित शेट्टी की अगर मतलब मूवीज की बात करें, एक तो आपको उनकी मूवीज में गाड़ियां बहुत नजर आती हैं, दूसरा उनकी मूवीज में आपको कलर बहुत नजर आते हैं, भरमार होती है रंगों की, है ना, ये चीज नोट की है। एनीवे गाइस, काफी मजा आया देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, आपको कैसी लगती है ये मूवी, और अतावाजी सटकले मराठी में है या नहीं जरूर बताइएगा। और मुझे, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है मराठी में है। और उसके साथ साथ भाई अजय देवगन सर आपको कौन से रोल्स में ज्यादा पसंद है, कॉमिक रोल्स में या फिर सीरियस रोल में? और इसी के साथ